हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार। ट्रेडिशनल पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए और बेहद ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। ड्रेसअप बिल्कुल ऐसा पहना हुआ है, बिल्कुल पैक्ड। इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है कि पूछो मत। तो ठंड से बचने के लिए मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं ताकि गर्म लगे। अब लगे ना लगे, लेकिन ज़्यादा कपड़े पहन के थोड़ा तसल्ली रहती है कि ठंडा नहीं होगा। तो अभी मैं अपनी ड्यूटी के लिए हो गई हूँ तैयार और अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी। और मौसम आपको हम वहीं से दिखाएंगे कि आज किस तरह पहाड़ों के नज़ारे हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। रिबेका को भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। रिबू भी बिल्कुल सिकुड़ी है केंचुए की तरह, ये उठ गई। अब चल चल, अब तू जा ऊपर। हाँ, अब रिबेका ऊपर चले जाएगी। जाएगी ना ऊपर, जाएगी ना, जा फिर। ऊपर की पहाड़ियों में लगे हैं बादल और सामने की जो पहाड़ियां हैं बारिश होने से काफी अच्छी दिख रही हैं। इसकी धूल वगैरह सब बैठ चुकी है। पूरब दिशा में देखने से ऐसा लग रहा है कि धूप आ जाएगी। देखें क्या होता है। बिल्कुल इतनी वीआईपी बिल्ली है और इसके आगे लगा रखा है हीटर और बिल्कुल आराम से हीटर सेक रही है। अच्छा, काटती तो नहीं है? आपकी है ये? है? चिवा कितना अच्छा लग रहा है। ओए, देख तो देख। अरे डर कर देना, ना कर रहा हूँ। आज मेरा फोन गिर गया था और उसकी डिस्प्ले गायब हो गई थी। तो मैं बिल्कुल बांध दिया मेरे फोन को अच्छे से। तीन बैंड लगा दे। पांच लगेंगे। पांच? कितने घंटे तक है ये? दो। अच्छा, दो घंटे तक आईसीयू में रहेगा फोन। खिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। ये देखिए ननद और भाभी का ऐसा प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। कौन है ननद? मैं। और ये भाभी, देखो भाभी बिल्कुल घुटने में हनुमान की तरह बैठी हुई है। हाँ मामी, इनका प्रेम देखकर आप क्या कहेंगे? खुश हूँ इनको देख। आप ही नहीं, सभी खुश है। मतलब ऐसा ऐसा प्रेम होना चाहिए ननद भाभी में और हमेशा ऐसा बना रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उन जा है ना ननद भाभी में तो प्रेम इतना चाहे उनको। सही हो ना? और आज भी हम यहाँ पर आग सेक रहे हैं। आज आज मेंबर बड़ी हैं। इधर इधर देखो, बताइए ये देखो सरवाई नहीं। आग लेता है और फिर तू जुराब ले जालपुर ने। फिर ऐसे खाली आग नहीं सेकते हैं भाई, ये कुछ न कुछ डिम करते हैं। मामी किलो मूंगफल खा लिया। आधे किलो मूंगफल। चलो किसी दुकानदार की बिक्री भी हुई, वो भी काम ही ठहरा। नहीं वाह, किसी की लकड़ी जली, किसी की मूंगफली। सुनो सुनो, और किसी के दिल जले। कौन सा चैनल है तुम्हारा? अरे मैं बना रही नहीं हूँ। आजकल नहीं बना रहा? क्यों छोड़ा? मेरे को ब्लॉग नहीं बनाना। नहीं बनाना? गेमिंग करनी है। अच्छा, गेमिंग करनी है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार। ट्रेडिशनल पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए और बेहद ही शानदार ब्लॉग के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज है सरतिला एकादशी, तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई और प्रभु श्री भगवान विष्णु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के दिन की और ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं। सरतिला, जिसका सामान्य सा अर्थ है छह तिल, यानी छह तरह से आज तिल का हमें प्रयोग करना चाहिए। आप स्नान में तिल डाल के स्नान कीजिए, स्नान के जल में तिल का स्नान, तिल के दाने डालकर स्नान कीजिए और तिल का उपटन आज लगाना चाहिए। तिल के लड्डुओं का भोग भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को जिस जल से स्नान करा रहे हैं उसमें भी तिल अवश्य डालने चाहिए और तिल के लड्डू बनाकर तिल से पूजा करके भगवान विष्णु का आज की पूजा अर्चना की जाती है। तो कहते हैं कि इस तरह करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मेरी भी पूजा पाठ हो चुकी है और मैं ड्यूटी के लिए अब होती हूँ तैयार। और थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैं आज आपको अपने शहर का मौसम,
ठंड तो काफी है, हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आ गई हूँ ड्यूटी से घर। अब मैं करती हूँ भगवान के भोग की तैयारी और उनके लिए फटाफट से बना लेती हूँ मैं लड्डू। आज सरतिला एकादशी है तो तिल के लड्डू भगवान जी को भोग लगाने के लिए बनाती हूँ, तिल और गुड़ के लड्डू। तो चलिए मेरे साथ आप मेरे रसोई घर में, तो बना लेते हैं लड्डू। तिल गुड़ लड्डू बनाने के लिए मैंने ले रखे हैं सफेद तिल और ये बिल्कुल साफ है। पहले मैं इसको कढ़ाई में भून लेती हूँ, हल्के भून लूंगी क्योंकि कच्चे तो बनेंगे नहीं, तो भुनन बहुत ज्यादा जरूरी है और लो फ्लेम में भुनन छे इनसे। तो भुन गए हैं मेरे ये तिल। अगर ज्यादा मैं भून देती हूँ तो फिर कड़वे हो जाते हैं, हल्के हल्के ब्राउन हो गए और इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो मैं इसको अब एक थाली में निकाल लेती हूँ। कढ़ाई में डाल दिया मैंने एक चम्मच घी और ये गुड़, गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो बेलन से इसको फेज भी सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। तो अगर मैं ये डालती हूँ, घी डालती हूँ, तो बहुत अच्छी एक शाइनिंग आ जाती है, गार्निशिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है लड्डुओं की। तो इसमें ये जाएगा अब गुड़। जब हम ये कद्दूकस करके गुड़ डालते हैं तो ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी पिघल जाता है। अगर वैसे टुकड़े डालते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा पक जाती है। चाशनी ज़्यादा पक जाती है तो फिर लड्डू क्या हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं। चाशनी हो गई है या नहीं हुई है, इसके लिए तैयार करने के लिए हमें ये करना है। देखिए जैसे ये चाशनी है और इसको आप थोड़ा सा पानी में डालेंगे, अगर ये घुल नहीं रही है तो इसका मतलब चाशनी तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब मैंने उस गुड़ में, गैस ऑफ है और मैंने डाल दिए हैं तिल और इसको फटाफट चलाना है, नहीं तो फिर ये मिक्स अच्छे से नहीं होंगे। तो मैं इसको फटाफट से चला लेती हूँ। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेना है और उसके बाद फिर यूं गरम गरम में ही लड्डू बना लेने हैं। तो मैं ये घी भी रखा है मैंने और ये मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ लड्डू। तो फटाफट मैं गरम गरम ही लड्डू बना ले रही हूँ और अगर आपको ज्यादा गरम लगता है ना तो थोड़ा हाथ में आप पानी भी लगा सकते हैं। अब लेकिन मैं तो अभी भगवान जी के लिए बना रही हूँ भोग के लिए, तो मैं पानी नहीं लगा रही हूँ। अब ये अगर आपको ज्यादा टेस्ट चाहिए, आप घर में वैसे खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप काजू किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो केवल तिल के ही बना रखे हैं। ये हैं तिल के लड्डू जो भोग के लिए हो गए फटाफट से घर पे तैयार। आज इसी का भोग मैं भगवान जी को लगाने वाली हूँ। और आज मौसम बहुत बढ़िया था, आधे दिन के बाद बहुत अच्छी धूप आई। अब तो दिनांत तो होने वाला है, यानी सूर्यास्त तो होने वाला है। पहाड़ों में मस्त धूप आज खिली रही और मौसम साफ ही है कुछ दिन। तो मैं फटाफट उठा लेती हूँ कपड़े। एकादशी की पूजा और व्रत कथा तो मैंने सुबह ही पढ़ लिया था और अभी आरती वगैरह कर ली, भगवान जी को भोग लगा लिया है और अब खुद फलाहार करने की तैयारी हो रही है। तो एकादशी के दिन हम लोग फलाहार ही करते हैं। आज हमने फलाहार में बना रखे हैं गीठे, आज हम गीठे खाएंगे। तो यही रही मेरी आज की दिनचर्या। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और शानदार ब्लॉग के साथ। और भगवान विष्णु, पद्मनाभ, भगवान स्वामी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आज के ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। तो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए बाय।